रहमान रहीम, वेलकम टू माय किचन गाइस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं? और जो हमारे चैनल पे नए आने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री में सब्सक्राइबर है, कोई पैसे शैसे नहीं देने पड़ते। और इसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी आपको मिलती रहे। तो गाइस, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो हरा भरा चिकन है, ठीक है? हरे भरे चिकन की हांडी बहुत ही मज़े की बनने जा रही है। डोंट स्किप, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपने, और इसको बिल्कुल फॉलो करना है सारे स्टेप्स को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, हमारे पास ये चिकन है, तकरीबन 1.5 किलो हमारे पास चिकन है, ठीक है? उसके साथ 6 से 7 हमारे पास टमाटर है मीडियम साइज़ के, जिनको हमने ऐसे ऐसे कट कर लिया है, ठीक है? उसके साथ हमारे पास 8 स्प्रिंग अनियन थे, जिनका वाइट हिस्सा हमने अलग कट कर लिया है, जिसको हरा प्याज भी कहा जाता है, ठीक है? आजकल आया हुआ है बहुत ज़्यादा मार्केट में, तो ये ताज़ा ताज़ा प्याज बड़ा अच्छा लगता है। और ग्रीन वाले हिस्से को हमने अलग कटिंग कर लिया है, ठीक है? और इसके साथ ये जी हमारे पास हरी मिर्चें, हरा धनिया और लहसुन, अदरक लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्चें, इसका पेस्ट हमने अलग से बना लिया, ये हम जब डालेंगे आपको बताएंगे साथ साथ। और हमारे पास तकरीबन 1 पाव के करीब दही है, जिसके अंदर हमने 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर डाला है, ठीक है? नमक हम हसबे जायका डालेंगे, आप भी नमक हसबे जायका डालिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, हमारे ये टमाटर जो है ये हांडी के अंदर जाएंगे, ठीक है? ये टमाटर चले गए। टमाटर के साथ स्प्रिंग अनियन जो वाइट वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला हम डालेंगे अभी, ये जाएगा। और इसके साथ ही ये जो हमारा दही है, ठीक है, ये दही और मसाले जो है ये सारे चले जाएंगे। और इसके साथ हमारा इसमें जाएगा जी नमक, करीबन 1.5 टीस्पून है, कम हो तो और डाल लें, लेकिन पहले कम ही रखें। और अभी हम इसको पकाएंगे, इसके बाद जब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी हम इसके अंदर चिकन नहीं डाल रहे, ज़रा इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, क्योंकि हांडी में चिकन बन रहा है तो हांडी में चिकन जल्दी बन जाता है, तो इसलिए अभी हम चिकन ऐड नहीं कर रहे। अभी ये मसाले हमने ऐड किए हैं, तो इनका पानी थोड़ा सा खुश्क होगा, फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारा पानी तकरीबन खुश्क हो गया, हमने इसके अंदर ऑयल डाल दी है, ठीक है? और अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। अब हम इसके अंदर ये चिकन जाएगा हमारा। साथ ही इसके अंदर ये हमारा जो पेस्ट है, लहसुन और हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये हमने तकरीबन हमारी 10 अदद हरी मिर्चें थी, मतलब मीडियम साइज़ की थी, छोटी नहीं थी बहुत। और अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी हैं तो आप 5 से 6 ले लें, अपने टेस्ट के मुताबिक लें मिर्चें, ताकि मेरा क्योंकि चिकन ज़्यादा है इसलिए मैंने ज़्यादा ली हैं। तो ये अब इसके अंदर जाएगा, अब ये इसके साथ ही पकेगा, ठीक है? इसको इतना पकाना है कि इसका ना पानी खुश्क हो जाए। और अगर आप तेज़ आंच पे पकाना चाहते हैं, आपको ख़तरा है कि आपका चिकन ज़्यादा गल जाएगा, आप इसको तेज़ आंच पे पकाएं। मेरी बोटियाँ थोड़ी बड़ी हैं तो इसलिए मैंने आंच को मीडियम टू हाई रखा हुआ है, ठीक है? बहुत फुल तेज़ नहीं है मेरी। ये देखें जी, अब ये चिकन पकेगा और इसको जैसे पानी खुश्क होता है फिर हम आपको बताते हैं। जी, हमारा पानी तकरीबन खुश्क हो गया इसका। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ठीक है? ये हमने डाल दिया। और इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 अदद लेमन निचोड़ेंगे, ठीक है? ये देखिए, बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, आपको कहीं भी ये रेसिपी नहीं मिलेगी, फिर आप बेशक यूट्यूब चेक कर लें। ये मेरी अपनी ज़ाती रेसिपी है, ये देखिए। ये हमने डाल दिया इसमें गरम मसाला, और अब जो इसके अंदर जाएगा वो जाएगा ये जो हमने ग्रीन वाला पार्ट हरे प्याज का अलग किया था, स्प्रिंग अनियन का, ये उसकी चिव्स है, ये अंदर जाएंगी। अब वाइट वाला हमने पहले डाल दिया था, इसको डाल के अब हम 5 से 10 मिनट के लिए इसे ढक देंगे और मीडियम आंच कर देंगे, ठीक है? ये देखिए गाइस, ये देखिए वाओ, क्या चिकन लग रहा है और टेस्ट में बहुत मज़े का है। ये देखिए,
अब हम इसकी आंच हल्की रखते हैं और इसको हम ढक देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद हम इसके फाइनल लुक आपको चेक कराते हैं। हमारा चिकन कैसा हो गया? वाओ, बहुत ही मजे की कढ़ाई बनी है। ये चेक करें, आप शक्ल चेक करें। बस आप चूल्हा हमने कर दिया है बंद, इसको हम इधर उतार लेते हैं। अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। इसकी हांडी में शायद सही नजर ना आ रही हो आपको। गाइस, कैसा लग रहा है आपको हमारा चिकन ज़रूर बताइएगा। हमारा हरा भरा चिकन तैयार है और इसके साथ ही यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस्लामाबाद में। इस वक्त बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है तो बहुत ठंड हो रही है और गैस भी बहुत कम आ रही है हमारी इस वक्त। तो आप लोग सुनाएं, आपके इलाके में कैसी ठंड पड़ रही है और गैस का क्या हाल है? इसके साथ ही मुझे नुसरत नदीम का चंदा कुक हाउस से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, उन्हें ठंड में बिल्कुल बाहर मत निकालिए और अपना भी बहुत ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।